Morning. If I am audible to you, please wave your right hand. Please wave your right hand. Sixth B class. Shabash, shabash. Very nice. So, dear students, we will continue the chapter of light. And you know, this is the heading. Please write down the heading along with date. Shabash. Everybody, open your notebooks, write down the heading light, shadow, and reflection. Light, shadow, and reflection. शुरू करें बेटे। आई होप एवरीबॉडी इज रेडी विद नोटबुक एंड पेन। ओके, एवरीबॉडी विल बी प्लीज वेरी अटेंटिव बिकॉज कॉन्सेप्ट्स आर इंटरलिंक्ड। सभी बच्चे ने एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना है। एवरीबॉडी शुड बी वेरी अटेंटिव। और एक हमारा नियम है बेटे, जब आपसे टीचर पूछेंगे हैव यू अंडरस्टूड, समझ आया, अगर आपको समझ आया तो आपने राइट हैंड रेज करना है, अगर ना समझ आया तो लेफ्ट हैंड। ओके, ना समझ आया तो कौन सा, लेफ्ट हैंड, और समझ आ गया तो राइट। उससे क्या है, टीचर को पता लग जाता है कि ये वाला पॉइंट दोबारा तो नहीं बताना चाहिए, अगर लेफ्ट हैंड है राइट हैंड है तो शाबाश मिलती है। ओके, सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वंस अगेन वी गॉट द चांस टू इम्प्रूव अवर नॉलेज, टू शेयर अवर नॉलेज। इट शुड बी एन इंटरेक्टिव सेशन। कुछ भी नहीं समझ आया ओपनली बोल देना है अपने माइक पर। अगर लेट स्टार्ट बेटे, सबसे पहले हम लाइट के बारे में कुछ बात करेंगे। एवरीबॉडी राइट डाउन द हेडिंग लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स। यू कैन ऑल्सो से फीचर्स, यू कैन ऑल्सो से प्रॉपर्टीज। इनमें से कुछ भी बोल दे, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और प्रॉपर्टीज, तो मेरे बच्चे यही लिखेंगे जो मैं करवाने लगा हूं। शाबाश। देखो ध्यान से सुनोगे बेटे, या सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मान लो यहां पर एयर है, एयर क्या है, एयर, और एयर में से मैंने जब लाइट निकालने की कोशिश करी, कैसे कोशिश करी लाइट निकालने की, टॉर्च ऑन कर दिया, टॉर्च ऑन कर दी, टॉर्च, और वो भी ऑन, स्विच ऑन। तो यहां से जब लाइट ऐसे निकलता है ना बेटे, तो हमें पता करना है ये कितना तेज निकलता है, इसका स्पीड कितना है, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर। बहुत तेज निकलता है लाइट, बहुत तेज, बताऊं कितना। तो लाइट का जो स्पीड है कहां पर, इन एयर, वो होता है इतना, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब एक बच्चा बोलता है सर ये 10⁸ का क्या मतलब है, ये तो मेरे को समझ में नहीं आया। तो मैं उसको ऐसे बताऊंगा बेटे, 3 लिखकर उसके साथ 8 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। इतने ज्यादा मीटर 1 सेकंड में कवर करती है वो घड़ी में, पता है डिजिटल में कैसे 1 सेकंड बदलते हैं, 47, 48, 49, कितना फास्ट बदलता है टाइम डिजिटल वॉच में, 1 सेकंड के अंदर अंदर इतना डिस्टेंस। अब एक बच्चे को फिर भी नहीं समझ आया, फिर मैंने उसको समझाया बेटे यहां से लेकर
यहाँ तक लगभग 1 मीटर होता है, यहां से लेकर यहां तक लगभग कितना होता है, 1 मीटर। अगर ये 1 मीटर है तो इतने ज्यादा मीटर, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इतने ज्यादा मीटर डिस्टेंस कवर कर देती है लाइट सिर्फ 1 सेकंड में, इतना फास्ट चलता है एयर में। ओके, एक और बात सुनो, अगर इसी लाइट को हमने मूव करवाना होता इसमें वैक्यूम में, सर वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम मीन्स टोटली एम्प्टी स्पेस, वहां एयर भी नहीं होता, टोटली एम्प्टी स्पेस, तो उसमें कितना होता है लाइट का वेलोसिटी बेटे, उसमें भी हम याद करते हैं अनदर पॉइंट, उसमें लाइट का वेलोसिटी होता है जो लाइट का स्पीड बोल दो चाहे, स्पीड ऑफ लाइट, कौन सी जगह पर, वैक्यूम में, VAC UUM, वैक्यूम। सर वैक्यूम क्या होता है, जहां कुछ भी ना हो, टोटली एम्प्टी स्पेस, एयर भी ना हो, ठीक है, इसको फ्री स्पेस भी बोलते हैं, फ्री स्पेस, उसमें भी लाइट का वेलोसिटी सेम होता है, 3 × 10⁻⁸ m/s। गॉट इट? अब लाइट कहां से निकल पाती है, ट्रांसपेरेंट चीज में से निकल जाएगी, जैसे पानी में से निकल जाएगी, जैसे ग्लास में से निकल जाएगी, कांच में से। अब एक बच्चा पूछता है सर क्या कांच या पानी में से भी लाइट इतनी ज्यादा स्पीड से निकलती है? निकलती तो तेज है पर इसके मुकाबले कम हो जाती है। सर किसमें कम होती है, कांच में या पानी में? कांच में ज्यादा कम हो जाएगी, पानी में थोड़ा कम कम होगी। सर उसमें कितनी होती है, लो लिखते हैं, उसको भी लिखते हैं। अगर लाइट की वेलोसिटी हमने नोट करनी होती, लाइट का स्पीड बोल दो, स्पीड भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कहां पर, इन वाटर, वो होती है 2.25 × 10⁸ m/s। सर ये 2.25 3 से कम है? हाँ जी बेटे, पहले 2.2 देखो, पीछे वाला पावर तो सेम है, एक्सपोनेंशियल पावर 10⁸ है दोनों का, लेकिन यहां पर फिगर बड़ा लगा है 3, तो यहां पर फिगर छोटा लगा है 2.25, इसलिए पानी में लाइट की वेलोसिटी कम हो जाती है एयर के मुकाबले। अगर कांच में याद करनी हो, कांच में वो भी आपको याद होनी चाहिए बेटे, वो कितनी होती है, लेट्स टॉक अबाउट स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, 2 × 10⁸ m/s। देखो टू वैक्यूम में कितना, 3, एयर में कितना यहां पर, 3, जबकि कांच में कितना, 2 × 10⁸ m/s। जो समझदार बच्चा होगा वो एकदम से याद करेगा। बेटे कोई बच्चा 6th A में जाएगा, मैसेज देगा, उनका कैमरा ऑन नहीं है 6th A का, कैन समबडी गो इन 6th A एंड कन्वे द मैसेज टू स्विच ऑन देयर कैमरा? शाबाश बेटे, कोई बच्चा जा सकता है 6th A में? हाँ दोबारा बोलो माइक में बेटे। सर मैम हैज गॉन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक और फीचर, एक फीचर और याद करते हैं लाइट का। यस मैम, थैंक यू, थैंक यू। तो 6th A के बच्चों, मेरा उम्मीद है मेरे को मेरी आवाज आपको सुन रही थी, आपको समझ आया ना बेटे दोनों पॉइंट्स, 6th A गुड, आपका व्यू नहीं मिल रहा था। लेट्स टॉक अबाउट अनदर फीचर, लाइट की और एक प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, वो क्या होती है सर, वो होती है बेटे लाइक, लेट मी टॉक, अगर यहां पर मैंने सोर्स ऑफ लाइट लगा दिया, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट क्या हो सकता है, बल्ब हो सकता है, ट्यूबलाइट होता है, सन हो सकता है, ये सारे स्टार्स हो सकते हैं। सोर्स ऑफ लाइट से
जब भी लाइट निकलता है ना बेटे, लाइट का जो रे होता है ना, रे, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन जाएगा, स्ट्रेट लाइन, अपने आप से मुड़ता नहीं है, ना इधर को ना उधर को। हाँ बीच में यहाँ कोई कांच आ जाए, यहाँ पर मिरर आ गया, मिरर से तो रिफ्लेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन अपने आप नहीं मुड़ेगा। ऐसे जाते जाते ऐसे मुड़ जाए या ऐसे मुड़ जाए, नो, इट विल ऑलवेज ट्रेवल इन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइट रे ट्रेवल बोल दो तो अच्छा वर्ड है, प्रोपेगेट, प्रोपेगेट्स इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में चलता है। लाइट अपने आप से कभी नहीं मुड़ता, ठीक है, इट नेवर बेंड्स एट इट्स ओन, इट नेवर बेंड्स एट इट्स ओन, अपने आप से नहीं मुड़ेगा। हाँ रास्ते में कोई मिरर आ जाए, आईना आ जाए, शीशा आ जाए, तब तो मुड़ सकता है ना। तो इसकी इस प्रॉपर्टी का नाम याद रखना है सभी बच्चे ने, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, ये इसका हेडिंग है। रेक्टिलिनियर वर्ड का मतलब होता है सीधी रेखा में मोशन, चलना, करेक्ट। तो चारों पॉइंट मेरे बच्चों को क्या समझ आ गए हैं? अपने आप को पूछो, इफ यस प्लीज रेज योर राइट हैंड, इफ नो प्लीज वेव योर लेफ्ट हैंड। शाबाश, हैव यू अंडरस्टैंड ऑल द फोर पॉइंट्स? बेटे दोनों में से एक हाथ खड़ा करना ही है, नहीं तो आप जा सकते हो क्लास से बाहर, आइदर लेफ्ट और राइट। शाबाश शाबाश, डाउन, किसी भी बच्चे का लेफ्ट नहीं खड़ा, सो वी शुड प्रोसीड फर्दर, देयर इज नो नीड टू रिपीट एनीथिंग। आप इसमें से जल्दी से नोट कर लो, अगर कुछ नोट कर, जल्दी से कोई भी ऐसा पॉइंट आपको लगता है ना कि भूल जाएगा, वो नोट कर लो। हरी अब, व्हाट यू थिंक यू कैन फॉरगेट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, और ये टू पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। शाबाश शाबाश, लाइट के प्रॉपर्टीज, उसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं, हमने मेन मेन ये सीखा। लाइट की वेलोसिटी पे, स्पीड पे बात करी मेनली, एंड उसका सबसे खास फीचर, इट ट्रेवल्स इन अ सेम स्ट्रेट लाइन। अच्छा एक बात और बेटे, अगर कोई आपसे पूछ ले वाटर और ग्लास दोनों में से कौन सा रेयरर मीडियम है और कौन सा डेंसर मीडियम, लिसन, रेयरर एंड डेंसर। देखो बेटे, रेयर का, रेयर वर्ड से बना है, रेयरर, रेयर मैंने कोई कोई, अगर किसी ग्राउंड में कोई कोई बच्चा खड़ा होगा तो आप बड़ी तेजी से भाग सकते हो, अगर किसी ग्राउंड में बहुत सारे क्राउडेड है, बच्चे बहुत सारे खड़े हैं, तो आपको धीरे भागना पड़ेगा। उसी तरह से लाइट जहां पर फास्ट चलती है, देखो यहां पर 2.25 है, और जहां स्लो चलती है, यहां पर 2 है, छोटा फिगर है, जहां पर स्लो चलती है वो डेंसर मीडियम, और कंपैरिजन में वाटर ग्लास के कंपैरिजन में रेरर मीडियम। क्यों? क्योंकि उसमें 2.25 फिगर है जो कि 2 से ज्यादा है। ठीक है, लिखो एक पॉइंट, आउट ऑफ द टू गिवन मीडियम, आउट ऑफ द टू गिवन मीडियम, शाबाश सभी बच्चे लिखेंगे, आउट ऑफ द टू गिवन मीडिया, मीडियम का प्लूरल क्या होता है, मीडिया,
मीडियम होता है उसका प्लूरल क्या होता है, मीडियम। आउट ऑफ द टू गिवन मीडिया कॉमा द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स फास्टर, द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स फास्टर इज कॉल्ड एज रेयरर मीडियम। रेयरर की स्पेलिंग देखेंगे सभी बच्चे, रेयरर मीडियम इज कॉल्ड एज रेयरर मीडियम। और नीचे लिखोगे फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ ग्लास एंड वाटर, फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ ग्लास एंड वाटर ग्लास इज ए डेंसर मीडियम, ग्लास इज ए डेंसर, डेंसर के स्पेलिंग ग्लास इज ए डेंसर मीडियम कुछ। शाबाश, अब हम वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। शाबाश, नेक्स्ट पेज। मैं अभी आपसे कंपटीशन पूछता हूँ, कंपटीशन कराऊंगा तीनों क्लासों में, देखते हैं कौन जवाब देता है। शाबाश शाबाश, मैं इसको ऑफ करने लगा हूं। अब बताओ देखते हैं कौन बच्चा बताता है, कौन सी क्लास का। मैंने इसमें लिखा था वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 2.25 × 10⁸ m/s। ये मैंने कौन से कलर से लिखा था बताओ, कौन से कलर। हेलो सिक्स्थ सी विनर हुआ, सिक्स्थ सी विनर, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस प्रेजेंस ऑफ। तो अगला पॉइंट, अगला बोर्ड भी आपने ध्यान से देखना है, उसके लास्ट में भी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे, देखते हैं कौन सी क्लास जीतती है। राइट, शाबाश, रेडी। अब रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन के बारे में ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग, सभी बच्चे रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। And its impacts. शाबाश, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन एंड इट्स इंपैक्ट्स, ये हम स्टडी करने लगे हैं बेटे। ओके, अभी टीचर ने क्या समझाया था रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन में। नंबर वन लर्निंग पॉइंट, सर आपने ये बताया था कि जहां पर सोर्स ऑफ लाइट है वहां से लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती है। इन इंग्लिश वी विल से फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट लाइट रे ट्रेवल्स या प्रोपेगेट्स इन स्ट्रेट लाइन, ये हम स्टडी कर चुके। दिस मीन्स दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, ये उसकी परिभाषा है, ये हम स्टडी कर चुके। सेकंड पॉइंट, एक बच्चे कहता है सर ये जो आप हमें बात बता रहे हो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, क्या हम इसको लेबोरेटरी में प्रूव कर सकते हैं, क्या हम आप हमें एक्सपेरिमेंट से बता सकते हो। यस, बता सकते हैं। अब देखो वो एक्सपेरिमेंट जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि लाइट सीधी रेखा में ही चलती है। ध्यान से सुनना सभी बच्चे, ध्यान से सुना। हम क्या करेंगे, हमने एक टेबल के ऊपर ये एक कैंडल लगा दिया बेटे, और इस कैंडल में ये फ्लेम भी लगा दिया हमने, ये फ्लेम हो गया इसका, ठीक है। अब इस कैंडल से ये फ्लेम जग रहा है तो नेचुरली यहां से लाइट निकलेगा, पर हम क्या करेंगे, हम इसी टेबल के ऊपर, इसी टेबल के ऊपर हम इक्वल साइज के, इक्वल साइज के 3 कार्डबोर्ड रखेंगे
और हर कार्डबोर्ड के, देखो जैसे ये एक कार्डबोर्ड है, गत्ता है, और हर कार्डबोर्ड के कहां पर सुराख करेंगे, होल करेंगे, कहां पर करेंगे, पेंसिल से उसके डायगोनली दो लाइनें लगा देंगे, जहां पर उसके डायगोनल कट करेंगे वहां पर हम एक होल करेंगे। ये देखो जहां पर सर ने येलो पॉइंट बना दी, यहां पर एक क्या कर देंगे, होल कर देंगे, होल ऑन कार्डबोर्ड। कितने कार्डबोर्ड बनाएंगे ऐसे, थ्री, और तीनों कार्डबोर्ड्स के नीचे यहां पर स्टैंड लगाकर हम इसको कैंडल के सामने खड़ा कर देंगे। देखो ध्यान से, ये हुआ हमारा फर्स्ट कार्डबोर्ड, ये हो गया हमारा सेकंड कार्डबोर्ड, ये हमारा हो गया बेटे थर्ड कार्डबोर्ड। ये तीनों कार्डबोर्ड इक्वल साइज के होने चाहिए और इनमें जो होल होते हैं बिल्कुल सिमेट्रिकल होंगे, यहां पर होल, यहां पर होल, यहां पर होल, छोटे छोटे होल करने। अब ये तीनों होल स्ट्रेट लाइन में है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। यहां पर हम अपनी क्लास के किसी बच्चे को खड़ा करेंगे, उससे पूछेंगे कि क्या आपको इन होल्स में से होते हुए कैंडल का फ्लेम दिख रहा है। वो कह रहा है बिल्कुल दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि कैंडल से आने वाला लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाता है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को फॉलो करता है और उस इंसान को दिखाई देता है, आंखों में दिखेगा उसको। अगर हम इन कार्डबोर्ड में से किसी भी एक कार्डबोर्ड को, आइदर कार्ड नंबर वन और कार्ड नंबर टू और कार्ड नंबर थ्री, इसको साइड वाइज स्लिप कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ऊपर कर दें, नीचे कर दें, तो ये होल्स की स्ट्रेट लाइन में मैचिंग खत्म हो जाएगी। ये तीनों होल्स सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं रहेंगे, मानते हो ना आप ये। अगर किसी भी कार्डबोर्ड को इधर खींच दूं, लेफ्ट पे, राइट पे, अपसाइड कर दूं, डाउन कर दूं, किसी भी कार्डबोर्ड को, आइदर वन टू थ्री, ये तीनों होल्स स्ट्रेट लाइन में नहीं रहेंगे, लाइट का रास्ता ब्लॉक हो गया, लाइट कार्ड से ऐसे घूम के जा नहीं सकती। तो इस बंदे, ये आपका दोस्त क्या बोलेगा, आई एम नो मोर एबल टू सी द कैंडल फ्लेम, मैं अब मोमबत्ती का जो लो है उसको नहीं देख पा रहा। इस एक्सपेरिमेंट से हमने प्रूव कर दिया कि अगर ये तीनों होल सेम स्ट्रेट लाइन में रहते हैं तो ही लाइट जा सकती है, कहां से, फ्लेम से ऑब्जर्वर की आईज तक। अगर कोई भी कार्ड इधर उधर होता है, स्ट्रेट लाइन की मैचिंग खराब हो जाती है और लाइट फ्लेम से ऑब्जर्वर की आंखों तक नहीं पहुंच पाती और वो ऑब्जर्वर कैंडल का फ्लेम नहीं देख पाता। फ्रॉम दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट वी कैन प्रूव व्हाट दैट लाइट ट्रेवल्स इन दी स्ट्रेट लाइन। बताओ ये एक्टिविटी आपको समझ आ गया, इफ यस तो वेव योर राइट हैंड, इफ यस तो वेव योर राइट हैंड, शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये हमने टीचर ने क्या बोला बेटे आपको, एक्टिविटी करके दिखाया, एक्टिविटी। आप इसको घर में भी कर सकते हो, लेकिन मैं ये चाहूंगा जब आप घर में करो तो कैंडल की बजाय टॉर्च लेना, क्योंकि अभी आप छोटे बच्चे हो प्यारे प्यारे, कैंडल से आपसे मिसमैचिंग होगी, कुछ गड़बड़ होगी तो आग भी लग सकती है। कैंडल की बजाय टॉर्च लेना, ओके। ये एक्सपेरिमेंट आप करके देखना। अब हम इसका थर्ड पॉइंट सीखते हैं, लेट्स मूव टू दी थर्ड लर्निंग पॉइंट, शाबाश। थर्ड लर्निंग पॉइंट क्या है बेटे, लेट्स चेंज द कलर। ये रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ही है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का शेडो देख सकते हैं, परछाया देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, फॉर एग्जाम्पल बेटे, यहां पर एक इंसान
ऐसे खड़ा है और उसने अपने बाजू स्ट्रेच कर रखे हैं। हाँ ये ऐसे कोई पर्सन है, या आप स्टैचू लगा लो, तो इसके सामने यहां पर लाइट का सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, गॉट इट। अब इस सोर्स ऑफ लाइट से लाइट निकलेगा, तो लाइट स्ट्रेट लाइन में आएगा। कैसे लाइट निकलेगा बच्चे? तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जब इसके ऊपर लाइट आया, यहां पर जो जमीन है जो कि एक स्क्रीन की तरह काम करेगी, इस जमीन के ऊपर इस पर्टिकुलर पर्सन का ब्लैक कलर का शेडो दिखाई देता है, इसी पर्सन का, इसी पोस्चर में। तरह से शेडो दिखाई देता है। तो ये शेडो जो दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है बेटे, ध्यान से सुनना। जितने पोर्शन में टीचर येलो कलर के डॉट लगा रहे हैं, येलो कलर के डॉट, ये सारा ब्लैक कलर का शेडो दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहां पर लाइट पहुंच ही नहीं पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती? क्योंकि लाइट की रेज में इंसान की बॉडी ने रुकावट पैदा कर दी। रुकावट का इंग्लिश क्या होता है? ऑब्स्टेकल। और क्या हो सकता है? ऑब्स्ट्रक्शन, राइट। तो जब लाइट सोर्स, सोर्स ऑफ लाइट से लाइट की रेज स्ट्रेट लाइन में आ रही है, तो स्ट्रेट लाइन में आ रही है तो जहां पर तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है उसके साइड से तो निकल जाएगी। देखो यहां पर रोशनी आ जाएगी, राइट। जहां पर ये ऑब्स्टेकल आ गया, बीच में ये ऑब्स्टेकल आ गया, तो उसका शेडो यहां पर पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे देखो आपके क्लासमेट मैडम ड्यूटी दे रहे हैं, डिसिप्लिन वाले, उनके साथ साथ बॉडी के साथ साथ शेडो चल रहा है। देखो आप ध्यान से, दिख रहा है आपको क्यों चल रहा है वो शेडो? क्योंकि मैम के बॉडी लाइट के रास्ते में ऑब्स्टिकल बन गए, रुकावट बन गए। और लाइट का नियम है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन चलती है। ऐसा तो हो नहीं सकता अगर ये मैम का बॉडी है और लाइट यहां से निकल के खुद ही बेंड कर जाए। बेंड करती नहीं अपने आप से, क्यों? ये देखो, लाइट रे ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। इसका मतलब मैम का बॉडी जब बीच में आएगा तो वो उनका बॉडी ऑब्स्टिकल का काम करेगा, शेडो बनेगा। तो शैडो बनने का क्या कारण हुआ? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सर्व एज ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट, एंड दैट इज व्हाई शैडो इज फॉर्म्ड। लिखो सभी बच्चे, व्हाई इज शैडो फॉर्म, व्हाई इज शैडो फॉर्म। सभी बच्चे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इन द रेज ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट इन द रेज ऑफ लाइट सर्व एज ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल के स्पेलिंग देखो सभी बच्चे, ऑब्जेक्ट इन द रेज ऑफ लाइट सर्व एज ऑब्स्टेकल इन द रेज ऑफ लाइट, ऑब्स्टिकल इन द रेज ऑफ लाइट। एंड आगे लिखो फुल स्टॉप, लाइट रेज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन ड्यू टू रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। लाइट रेज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट रेज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन ड्यू टू रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, शैडो इज दैट ब्लैक, शैडो इज दैट एरिया,
शैडो इज दैट एरिया वेयर ड्यू टू ऑब्स्टिकल वेयर ड्यू टू ऑब्स्टिकल लाइट रेज डज नॉट रीच, लाइट रेज डू नॉट रीच, डू नॉट रीच, रेज है ना प्लूरल है, लाइट रेज डू नॉट रीच। लास्ट में लिखो शेडोज आर ब्लैक इन कलर, शेडोज आर ब्लैक इन कलर। अब देखो आपको ये थ्री की पॉइंट्स याद रखने हैं, देखो ए बी और सी। ध्यान से देखो टीचर ने क्या क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट के सामने क्या लिखा, ऑब्स्टिकल, ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, ह्यूमन बॉडी स्टैच्यू। दूसरा पॉइंट क्या है, रेज रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, इसीलिए टीचर ने स्ट्रेट लाइन में दिखाए सारे रास्ते, स्ट्रेट लाइन, कोई किसी भी रेज में बेंड नहीं होना चाहिए। ओके फिगर बना लो। थर्ड में क्या है, शेडोज का क्या है, रेज डू नॉट रीच। तो ये जो ऑरेंज कलर का टीचर ने दिखाया, व्हाट इज दिस, शेडो। क्या हुआ, सभी बच्चों को फिगर बना लेना चाहिए वेरी फास्ट। अब फोर्थ लर्निंग पॉइंट, ये था हमारा हाउ द शेडोज आर फॉर्म, थ्री पॉइंट्स, ये थी एक्टिविटी, ये थी प्रॉपर्टी, राइट। लेट्स टॉक अबाउट अनदर लर्निंग पॉइंट, फिर मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन, देखते हैं कौन सी क्लास जीतती है। शाबाश, योर अटेंशन। हेडिंग है साइज ऑफ द शेडो, साइज ऑफ द शेडो, हाउ टू चेंज। ध्यान से सुनना बेटे, यहां पर हमारा क्या है, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, और ये बीच में क्या आ गया बेटे हमारा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, टेबल हो सकता है, चेयर हो सकता है, ह्यूमन बॉडी हो सकता है, राइट। इन दोनों के बीच का गैप क्या ले लेते हैं हम, लेट्स कॉल दिस गैप एज डी, राइट। और सामने हम क्या रखते हैं बेटे, सामने हमने बहुत बड़ा ये स्क्रीन लगा दिया, स्क्रीन, स्क्रीन का मतलब कोई भी व्हाइट शीट लगा दिया, कोई भी व्हाइट शीट, चाहे कागज का बना हो, चाहे पेपर का, चाहे पीवीसी का, किसी का भी, ये क्या बेटे, स्क्रीन। और इसके ऊपर क्या बनेगा, नेचुरल है कि इसके ऊपर शेडो बनेगा, ये क्या बन गया बेटे, शेडो, ये क्या बन गया, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस चीज का काम करता है, एज ऑब्स्टिकल, लाइट के रास्ते में रुकावट का काम करता है, एस स्टैंड्स फॉर सोर्स ऑफ लाइट। और ऑब्जेक्ट और शेडो के बीच के गैप को हम बोल देते हैं स्मॉल आर। अब देखते हैं किसी बच्चे का दिमाग, देखते हैं आपसे, शाबाश, देखते हैं कौन सा बच्चा जवाब देता है। कंपटीशन, ध्यान से सुनना, तीनों क्लासों में कंपटीशन है, पिछली बार सिक्स्थ सी विनर था। मैंने इस शेडो के साइज को चेंज करना है, इसको बड़ा या छोटा करना है, क्या आपके पास कोई मेथड है, हरी अप, लाइट पार्डन, लाइट क्या बात है, क्या बात है बेटे, मेरे को तारीफ करनी पड़ेगी सिक्स्थ सी की, सिक्स्थ सी दोबारा से विनर हुई, शाबाश। जानते हैं इस बच्चे ने क्या बताया, उन्होंने बोला कि सर ये जो आपका डी है ना, डी गैप, गैप किसमें है, सोर्स एंड ऑब्स्टिकल, या आर है ना, आर, आर क्या है, गैप बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड शेडो, इन दोनों डिस्टेंसेज में से कोई भी डिस्टेंस चेंज कर दो, कम ज्यादा करने से आपका शेडो का साइज चेंज हो जाएगा। मैंने कहा कैसे, कह रहे सर अगर आज इस डी को कम करोगे ना, डी मतलब
गैप बिटवीन सोर्स एंड ऑब्स्टिकल, इसको छोटा कर दोगे यानी इनको नजदीक लाओगे, यानी टॉर्च को नजदीक लाओगे तो ये आपका शैडो बड़ा हो जाएगा, और इस स्क्रीन को पीछे खींचोगे, पीछे खींचोगे तो क्या होएगा, शैडो का साइज बड़ा हो जाएगा। जितना जितना हम इस कागज की शीट को पीछे खींचते जाएंगे, शैडो का साइज बड़ा हो जाएगा, आगे लाएंगे छोटा हो जाएगा, जितना जितना इस बल्ब को आगे लेकर आएंगे शेडो का साइज बड़ा होगा। देखो शाबाश, टू इंक्रीज द साइज ऑफ द शेडो, टू इंक्रीज द साइज ऑफ द शेडो, टू इंक्रीज द साइज ऑफ द शेडो, लिखो शाबाश, आइदर डिक्रीज दी, आइदर डिक्रीज दी डी डी स्मॉल डी, और इंक्रीज दी स्मॉल आर, लेकिन टीचर ऐसे नहीं मार्क्स देगा, टीचर को पेपर में डी और आर बताना पड़ेगा फिगर बना के, लिखो वेर वेयर आइदर के साथ, यहां पर लिखना बेटा डिक्रीज, आइदर डिक्रीज दी डी और इंक्रीज दी आर, लिखना पड़ेगा वेयर डी इज इक्वल टू, डी इज इक्वल टू क्या, गैप बिटवीन सोर्स एंड ऑब्स्टेकल, लिखो डी इज इक्वल टू गैप बिटवीन सोर्स एंड ऑब्स्टेकल, आर के बारे में लिखो एंड आर इज इक्वल टू, आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे शाबाश, क्या लिखेंगे आर के बारे में, गैप बिटवीन ऑब्स्टिकल एंड शेडो, गैप बिटवीन ऑब्स्टिकल एंड इट्स शेडो, ये था हमारा शेडोज को कैसे बनाते हैं और उसका साइज किस तरह से बड़ा छोटा करते हैं। क्लियर? यस अब ये 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट ध्यान से देख लो एक बार, 1 2 3 4, आपको अपने मन से पूछना है कि क्या मेरे को ये पॉइंट समझ आ गए, और फिर उसके मुताबिक आपको अपना हैंड रेज करना होगा। Have you understood all the 4 points? Please raise your right hand if yes. If no, तो left. समझ आ गया तो right hand. Let me check, प्यारे प्यारे बच्चे के हैंड और राइट, वेरी गुड बहुत ही अच्छे, सभी का राइट शाबाश, इसको भी हम स्टोर कर लेते हैं। देखिए एक बार पीछे जाकर देखिए, कहीं हम पुराने वाला भूल तो नहीं गए। ये सीखा था हमने सबसे पहले, देखो याद है ना सारा बेटे, और समझदार बच्चा वो होएगा जिसने ये सारी वैल्यूज याद भी कर ली होंगी, वो सबसे अच्छे मार्क्स लेते। फिर हमने ये पढ़ा, फिर हम आगे पढ़ने लगे हैं। रेडी? यस शुड बी प्रोसीड फर्दर, अगर यस तो जोर से यस बोलो, शुड बी प्रोसीड फर्दर, वेरी गुड वेरी गुड। अब हम पढ़ते हैं एक और चीज, टाइप्स ऑफ मीडियम, शाबाश, देखो टाइप्स ऑफ मीडिया, मीडिया क्या होता है बेसिकली, प्लूरल ऑफ मीडियम, साथ में यह भी लिखना बेटे ऑप्टिकली, ऑप्टिकली लेट्स प्रोसीड फर्दर।
रेडी? यस ओके बच्चा, देखो इसको करने से पहले थोड़ा सा हम बनाते हैं भूमिका, इंट्रोडक्शन। अगर मैं अपने बच्चों से पूछता, बेटे मेरे को ऑब्जेक्ट्स की, मटेरियल्स की फिजिकल क्लासिफिकेशन बताओ, फिजिकल, तो आप कहते सर फिजिकल मतलब या तो सॉलिड हो सकते हैं, या तो लिक्विड, या तो गैस, ऐसे ऐसे कुछ बोलते। फिर मैं बोलता नहीं, मेरे को केमिकल क्लासिफिकेशन दो। केमिकल आप बोलते सर या कंपाउंड हो सकते हैं, या मिक्सचर हो सकते हैं, एलिमेंट हो सकते हैं। फिर मैं आपको बोलता नहीं, इलेक्ट्रिकल क्लासिफिकेशन दो, तो आप बोलते सर जिसमें से बिजली गुजर जाती है वो कंडक्टर, जिसमें से नहीं गुजरती वो इंसुलेटर। इस तरह से हम मटेरियल्स को अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। फिर मैं बोलता ओके मेरे को मटेरियल्स की मैग्नेटिक क्लासिफिकेशन दो। सर कुछ मटेरियल मैग्नेट के पास खींच जाते हैं, कुछ नहीं खींचते, मतलब कुछ मैग्नेटिक हैं, कुछ नॉन मैग्नेटिक, जैसे आयरन मैग्नेटिक है। इसी तरह से जब मैंने मीडियम्स की क्लासिफिकेशन करनी हो, ऑप्टिकली, ऑप्टिकली का मतलब लाइट की नजर से लाइट कहाँ से पास कर सकती है या नहीं कर सकती, या थोड़ा बहुत पास कर सकती। लाइट की पासेज किसी मीडियम में से, किसी जगह में से, किसी रास्ते में से गुजर भी पाती है कि नहीं गुजर पाती, या कितना गुजर पाती है, उसके हिसाब से हमने क्लासिफिकेशन करी है। फर्स्ट पॉइंट हुआ, फर्स्ट पॉइंट मीन्स ऑप्टिकली का क्या मतलब हुआ क्लासिफिकेशन, पहला लर्निंग ऑप्टिकली। ऑप्टिकल क्लासिफिकेशन मीन्स ऑप्टिकल क्लासिफिकेशन मीन्स बेस्ड ऑन पासेज और ब्लॉकेज ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू मीडियम, थ्रू दी मीडियम, मीडियम्स। अब बच्चे आपने भूलना नहीं है इस बात को, क्योंकि आपने देखा इसमें वर्ड कौन सा लगा, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल कैसे याद रहेगा, आपने देखा जहां पर स्पेक्टिकल्स बनाते हैं ना, जहां चश्मे बनाते हैं, उस दुकान का क्या नाम होता है, ऑप्टिशियन। क्या नाम होता है, ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन वर्ड ऑप्टिकल से ही बना। ओके, अब सेकेंड लर्निंग पॉइंट है कि सर ठीक है ये बेस तो हमें पता लग गया, आप बता सकते हो कौन कौन से मीडियम होते हैं? तो मैं बोलूंगा यस, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मीडियम, थ्री मीडियम, तीन होते हैं। बच्चे कहते हैं सर आप बता सकते हो कौन से, मैं प्रॉपर लिखूं थ्री मीडिया, तो मैं कहूंगा बेटे फिर तो मेरे को उसका मेमोरी टूल देना पड़ेगा आपको, OTT, मेमोरी टूल। OTT क्या होता है सर, लेट मी गाइड माई स्टूडेंट्स। OTT मीन्स O स्टैंड्स फॉर ओपेक, अनदर T स्टैंड्स फॉर ट्रांसपेरेंट, एंड अनदर T फॉर ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट, सभी बच्चे स्पेलिंग देख लें, ट्रांसलूसेंट, TRANSLUCENT, ट्रांसलूसेंट। तो इसको हम स्टडी करते हैं ये कैसे होते। समझदार बच्चे ने इसको याद भी कर लिया होगा, OTT। OTT आपको पता है ना, नेटफ्लिक्स पे प्रोग्राम जितने आते हैं OTT पे आते हैं, है ना, उसी से मेमोरी टूल बन गया। OTT अल्फाबेटिकली, O स्टैंड्स फॉर ओपेक, T स्टैंड्स फॉर ट्रांसपेरेंट, T स्टैंड्स फॉर ट्रांसलेशन, इनके नाम तो याद हो गए। अब हम देखते हैं कि सर इसको सीखना कैसे, ये होते कौन कौन से हैं, ध्यान से देखो। थर्ड लर्निंग पॉइंट, थर्ड लर्निंग पॉइंट,
मान लो यहां पर मैं एक ब्रिक खड़ा कर दूं, क्या खड़ा कर दूं, ईंट, ईंट खड़ा कर दिया, ब्रिक, ओके, और क्या खड़ा कर दूं, कार्डबोर्ड, गत्ता खड़ा कर दिया, कार्डबोर्ड, ठीक है। इन दोनों में से मैं यहां पर लाइट टॉर्च को ऑन करा, टॉर्च को ऑन करा और यहां से लाइट देखने की कोशिश करता हूं, क्या मेरे को ईंट के पार लाइट दिखेगी या नहीं दिखेगी, बोलो, यस या नो, कार्डबोर्ड के आर पार लाइट दिखेगी कि नहीं दिखेगी, कार्डबोर्ड के आस पार, नो कार्डबोर्ड की बजाय मैंने वुड ले लिया होता, वुड, लकड़ी, तो क्या मेरे को इस सोर्स ऑफ लाइट से लाइट दिखती है या नहीं दिखती। तो ये तीनों मीडियम टीचर ने अलग अलग लिए, जिन मीडियम से लाइट नहीं गुजर पाती, ब्लॉक हो जाती है, उन मीडियम्स को ओपेक मीडियम बोलते हैं। ये किसकी एग्जांपल हुई, तीनों की तीनों ओपेक, ओपेक इज दैट मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट ट्रेवल, लाइट कैन नॉट पास थ्रू, ओपेक एंड ओपेक मीडियम, एंड ओपेक मीडियम इज दैट मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास थ्रू, एंड ओपेक मीडियम इज दैट मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास थ्रू। लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ लर्निंग पॉइंट, फोर्थ लर्निंग पॉइंट, ध्यान से देखो बेटे, फोर्थ लर्निंग पॉइंट, मान लो मेरे पास यहां पर ग्लास शीट है, कौन है, ग्लास शीट, कांच का ट्रांसपेरेंट शीशा, ग्लास शीट, तो ग्लास शीट के इस तरफ मैं अगर टॉर्च को ऑन करूंगा तो क्या मेरे को लाइट दिखेगी यहां पर, यस और नो, यस यस दिखेगी। और अगर मेरे पास आइस का ब्लॉक हो, आइस का बिल्कुल अच्छी तरह से जमी हुई आइस का ब्लॉक हो, बर्फ का, उसमें व्हाइट टच ना हो, बिल्कुल पानी की तरह जमी हो, यहां लाइट ऑन करें तो बर्फ के आस पार मेरे को लाइट दिखेगी या नहीं दिखेगी, यस तब भी दिखेगी। तो जिन जिन मीडियम में से, जैसे कांच हो या आइस का ब्लॉक हो या पानी हो या ग्लिसरीन हो, तो जिन मीडियम में से लाइट बहुत एफिशिएंटली पास कर सके, पूरी निपुणता से पास करे, अच्छी खासी पास कर सके, थोड़ी बहुत ही रुके तो रुके, सारी की सारी लगभग पास कर जाए, उनको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। समझ आया, लिखो, अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज दैट मीडियम, शाबाश, अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज दैट मीडियम थ्रू विच लाइट कैन पास, लाइट कैन पास वेरी वेरी एफिशिएंटली, लाइट कैन पास वेरी वेरी एफिशिएंटली। बेटे ट्रांसपेरेंट के बीच में ये एग्जांपल्स लिख दो, और ओपेक की भी एग्जांपल लिख दी थी कि नहीं आपने, कार्डबोर्ड वुड वगैरह, शाबाश। यस लेट्स टॉक अबाउट अनदर लर्निंग पॉइंट, अब ध्यान से सुनना, मान लो मेरे पास एक पेपर शीट है, कागज की एक A4 शीट है, जिसपे आप फोटोस्टेट निकालते हो, वो वाली शीट है मेरे पास, मैंने क्या करा, इस पेपर की शीट को लिया, व्हाइट शीट को, और इसको मस्टर्ड ऑयल में डिप कर दिया, किस में डिप कर दिया, सरसों के तेल में, है ना, मस्टर्ड ऑयल, विच इज वेरी गुड फॉर योर हेयर ग्रोथ, इस पेपर की शीट को मैंने मस्टर्ड ऑयल में डिप कर दिया,
और डिप करके वापस बाहर निकाल ली। अब ये मैंने शीट यहां पर ले ली और इसके यहां पर सोर्स ऑफ लाइट ऑन कर दिया, तो मेरे को इसके आर पार लाइट दिखेगी या नहीं दिखेगी? वेरी गुड वेरी गुड, सिक्स्थ बी क्लास का बहुत अच्छा आंसर था ये सर। कुछ लाइट तो आपको दिखेगी, ऐसा नहीं है लेकिन कि आप यही चेक कर सको, हाँ जी टॉर्च है उसका, ये बटन है, ऐसे नहीं आपको कुछ दिखेगा। हाँ कुछ पोर्शन लाइट का पास हो जाएगा, 40% 30% लाइट, ठीक है। तो ऐसा मटेरियल जिसमें से कुछ पोर्शन पास कर सके। इसी तरह से एक और देखो, ये आपने सोर्स ऑफ लाइट लिया, यहां से ऑन करा, यहां पर आपने एक पेपर शीट हैंग कर दिया विच इज टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर जिससे आप हाथ साफ करते हो, ओके नैपकिन भी बोल सकते हैं इसको। इसके आर पार मेरे को लाइट दिखाई देगा या नहीं देगा? टिश्यू पेपर के आर पार थोड़ा बहुत लाइट दिखाई देगा, करेक्ट। तो ऐसे मटेरियल जिनमें से पार्ट ऑफ द लाइट पास कर सके, उन मटेरियल्स को बोलते हैं, क्या नाम देना चाहिए? ट्रांसलूसेंट शाबाश, ट्रांसलूसेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम। लिखो इसकी फटाफट डेफिनेशन। अ ट्रांसलूसेंट मीडियम इज दैट मीडियम, अ ट्रांसलूसेंट मीडियम इज दैट मीडियम थ्रू विच लाइट कैन पास थ्रू लाइट कैन पास थ्रू पुअरली एंड पार्टली, पुअरली एंड पार्टली, पुअरली एंड पार्टली। बेटे आपने एक ये भी वर्ड सुना होगा, देखो ग्लेज्ड ग्लास, ये कौन सा ग्लास होता है विंडोज में लगता है? इससे हमें ये तो पता लग जाता है विंडोज के उस तरफ कोई ना कोई पर्सन है, लेकिन ये नहीं पहचान में नहीं आता कौन सा पर्सन है ना, उसका थोड़ा थोड़ा व्यू दिखता है। देखा ना हमने कभी कभी वॉशरूम में डिवाइडर ग्लेज्ड ग्लास लगे होते हैं अंदर, है ना, कंबाइंड वॉशरूम होते हैं ना जिसमें टॉयलेट और बाथरूम इकट्ठा होता है, तो टॉयलेट और वॉशरूम को सेपरेट करने के लिए एक स्लाइडिंग ग्लास लगता है। कुछ लोग ट्रांसपेरेंट लगाते हैं और कुछ लोग ग्लेज्ड लगाते हैं, ग्लेज्ड, ठीक है। तो कितने मिनट है मैडम हमारे पास? तो ये वाले आज के जो पांच चार पॉइंट हैं, जिन बच्चों को समझ आ गया है, रेज योर राइट हैंड, शाबाश, रेज योर राइट हैंड, वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं आपसे, कंपटीशन है लास्ट में, पीरियड ओवर हो गया और आपको मेरे को बताना है, शाबाश, देखते हैं कंपटीशन कौन बच्चा बताएगा। मैंने कौन से कलर से ओ टी टी लिखा था? येलो रॉन्ग, येलो से नहीं लिखा था, देखो ग्रीन व्हाइट से लिखा था बेटे, व्हाइट से, देखो व्हाइट से, राइट। फिर से देखते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड आप। शाबाश, देखते हैं कौन सी क्लास सबसे पहले जवाब दे सकती है। थ्री टाइप्स के मीडियम होते हैं, ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड व्हाट वाज द थर्ड नेम? ट्रांसलूसेंट, सिक्स्थ सी, फिर से विनर। आप कहोगे सर आपको कैसे पता लग जाता है विनर, मेरे पास नहीं है स्क्रीन में टाइम आ जाता है कौन सी क्लास ने पहले जवाब दिया। ओके, ये जो हमने ऑब्जेक्ट्स की क्लासिफिकेशन करी, दिस क्लासिफिकेशन वाज व्हाट? ये मैग्नेटिक थी, इलेक्ट्रिक थी, फिजिकल थी या क्या थी? व्हाट वाज दिस क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन व्हाट वाज दिस? ऑप्टिकल। कौन सी क्लास ने जवाब दिया था यार? एक बच्चे का जवाब आया था, सिक्स्थ बी विनर हुआ इस बार, सिक्स्थ बी विनर है। एंड सिक्स्थ बी में सेकंड पहले है, ऑप्टिकल। लास्ट क्वेश्चन आज का,
आज का लास्ट क्वेश्चन, जब हमने शैडो का साइज इंक्रीज करना था, इंक्रीज, तो डी वाले गैप को बढ़ाना पड़ता था या घटाना? माय गॉड, सिक्स्थ सी अगेन विनर। भाई सिक्स्थ सी तो बहुत तेज है, अगली बार आपको इनसे मुकाबला करना पड़ेगा। आज तो सिक्स्थ सी विनर हो गया भाई। मेरे को तो सिक्स, मैं चाहता हूँ नेक्स्ट टाइम सिक्स्थ ए या सिक्स्थ डी में से विनर हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम सिक्स्थ सी हार भी नहीं चाहिए, कंपटीशन हार्ड हो। क्लियर? तो आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू टीचर्स फॉर द डिसिप्लिन। बाय बाय। दोनों हाथ वेव करो अगर लेक्चर समझ आ गया। चलो वेरी गुड। इसी फिल्म में टीचर का रोल मिल जाए वो तो कर ही लेते। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आई होप वंडरफुल टाइम। हाँ जी बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टीचर्स। हाँ जी बच्चों, सो वी हैव स्टार्टेड विद डेसिमल्स इन द प्रीवियस क्लास। हाँ जी, सबको क्लियर हो गया बेटा हाउ टू रिप्रेजेंट? सबसे पहले हमने फ्रैक्शन समझे थे कि हाउ टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। सर एनी डाउट्स बच्चों उसमें? राइट। सो टुडे विल बी डूइंग द ऑपरेशंस ऑन डेसिमल्स। हैव यू स्टार्टेड विद डेसिमल्स? यस क्या किया था बच्चे डेसिमल्स में हमने? कौन बताएगा प्लीज, रेज योर हैंड। चलिए सेक्शन बी से कोई बच्चा बताइए आके जरा। कन्वर्जन ऑफ रिफ्लेक्शन इनटू व्हाट विजिबिलिटी एक फैक्टर। बच्चा, वन स्टूडेंट प्लीज कम एंड एक्सप्लेन। आ जाओ बच्चे, आ जाओ, आ जाओ, कोई भी आ जाओ। अभी सारे बोल रहे थे, अभी कोई नहीं आ रहा है। चलिए मैं बुला लेता हूँ। आ जाओ बेटा, जिनको मैम ने बोला स्टूडेंट प्लीज कम सेक्शन सी से। हाँ जी, आ जाओ बेटा, आ जाओ। वी हैव डन कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ सर डेसिमल्स टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शंस टू डेसिमल। गुड, बट एल्स? हाँ जी, और क्या किया था? सर वी हैव कंपैरिजन कर लिया? सही सर यस किया बेटा, एंड सर कंपैरिजन। लाइक एंड अनलाइक सर। नहीं, लाइक अनलाइक किया था हमने, बट वी हैवन डन द कंपैरिजन। जहां तक मुझे याद है कंपैरिजन तो नहीं किया अभी हमने। सो नोइंग क्लास वी हैव डन कंपैरिजन। हमने और क्या किया था बेटा? असेंडिंग कंपैरिजन आता है आप लोगों को? असेंडिंग मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ। सब बच्चों को असाइनमेंट मिल गई है बेटा? हैव ऑल ऑफ यू गॉट द असाइनमेंट्स? यस राइट। डू यू नो हाउ टू रिप्रेजेंट डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन? सर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन आता है बच्चों आप लोगों को? हाँ जी, कौन एक्सप्लेन करेगा कैसे करते हैं? सपोज आई हैव ए डेसिमल 5.8, हाउ टू रिप्रेजेंट दिस डेसिमल ऑन नंबर लाइन? कौन बताएगा बच्चे? यस और नो? यस, टेल मी।
हाँ जी, देखिए बेटा डेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ व्हाट इज दिस नंबर? नंबर लाइज बिटवीन विच टू होल नंबर्स? 5 and 6? 5 and 6. Now divide this part between 5 and 6 into 10 parts. Is this clear? Yes. Is it clear, beta? Yes. Now we can represent 5.8. Now this is 5. 5.1, 2, 3, 4. 5, 5 वाली लाइन जो होती है बेटा, इट्स बिट ग्रेटर देन 5.6, 5.7 एंड दिस पॉइंट विल बी 8. इज दिस क्लियर? So, yes. यस और नो? नाउ इन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट मॉड्यूल 1 एमसीक्यू, द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स ऑन द गिवन नंबर लाइन ए बी सी डी, वी हैव टू फाइंड आउट ए बी सी डी. नंबर लाइन इज गिवन बच्चों, नंबर लाइन गिवन है इस क्वेश्चन में, तो टेल मी व्हाट इज द पॉइंट ए, व्हाट इज द पॉइंट ए? 0.8, बच्चे दिस पॉइंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो दिस विल बी 0 पॉइंट समथिंग, राइट? अब वो 0 पॉइंट समथिंग क्या होगा, यू शुड काउंट द पॉइंट्स एंड इट कम्स आउट टू बी 0.8, राइट? सो ए इज 0.8, व्हाट इज बी? 1.3, 2.3, राइट? व्हाट इज सी? 2.3, व्हाट इज डी? 2.9. डी इज 2.9 बेटा, सी इज 2.2. सो राइट चॉइस कौन सी होगी बेटा? सी चॉइस इज द राइट चॉइस. इज दिस क्लियर? नाउ कम्स टू द सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट? क्वेश्चन नंबर टू, फिल इन द ब्लैंक्स. दिस इज रिटन 53 टेंथ्स, 53 टेंथ्स. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? हाँ जी बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वैल्यू सेज? बच्चे हमने लास्ट क्लास में डेसिमल्स का नंबर सिस्टम किया था, हाउ वी रिप्रेजेंट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, हैव वी डन इट और नॉट? वी हैव डन इट और नॉट? यहाँ पे आता है वंस, राइट? दिस इज क्लियर? यहाँ पे फिर टेंस, हंड्रेड, इस तरह से होता है. एंड इफ वी मूव टू द लेफ्ट साइड, तो यहां पे क्या आता है? टेंथ, हंड्रेड, 100,000 एंड सो ऑन. व्हाट इज वन? दिस 10, 100 एंड टेंस. Yes or no? Yes. In this question, we have been asked 53 tens. When we say 10, means this is equal to 0.1. So where we'll put the decimal? 5.3. Is this clear, bachcho? Now it is 5.3. So 53 tenths will be equal to, if we write it in expanded form, this can be written as 5 plus 3 by 10, Yes. or it can be written as 5 ones plus 3 tenths. Yes. Clear, bachcho? So what is the answer for P?
समझ में आ रहा है बेटा ये नहीं? प्लीज नोट कर लो इसको अगर आप करना चाहते हो। दोज हु वांट टू नोट डाउन प्लीज। बेटा कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। नो साइड टॉक, आपस में बात नहीं कर रही है। कोई भी डाउट है फील फ्री टू आस्क। अरे थोड़ी बच्चे बताओ। चलिए आगे बेटा। अब इसका क्वेश्चन टू का बेटा सेकंड पार्ट 14.986। राउंडेड ऑफ टू फर्स्ट डेसिमल प्लेस इज गिव। राउंडेड ऑफ टू फर्स्ट डेसिमल प्लेस राइट, वी हैव टू राउंड इट ऑफ। नाउ यू नो हाउ टू राउंड ऑफ। हाउ टू राउंड ऑफ, ये आपने अपने नंबर सिस्टम में भी किया है राउंडिंग ऑफ। नाउ व्हेन द लास्ट डिजिट इज 5 और मोर देन 5। व्हेन द लास्ट डिजिट इज 5 और मोर देन 5 तो इंक्रीज द प्रीवियस डिजिट बाय 1। सिंस इट 14.986 सो दिस विल बिकम 14.99। नाउ अगेन दिस डिजिट इज ग्रेटर देन 5 सो देयर विल बी इंक्रीज इन वन डिजिट। जब बच्चे आप इंक्रीज करेंगे तो व्हाट इट बिकम्स, तीन आ जाएगा बच्चे। व्हेन यू इंक्रीज दिस डिजिट मींस 9 की जगह पे 10 आ गया तो 10 मींस इट विल बिकम 15। सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस, राइट। नेक्स्ट पार्ट द फ्रैक्शन 14 2 बाई 10। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि व्हेन यू आर राइटिंग 14 2 बाई 10 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ये जो बीच में साइन कौन सा होता है यहाँ पे, प्लस साइन, इट इज प्लस साइन सो इट विल बिकम 14 प्लस 2 बाई 10 एंड 2 बाई 10 इज इक्वल टू 0.2। यस ये टू पार्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था ना 53 में 3/10। व्हाट वाज 3/10, 0.3 सो 2/10 विल बी इक्वल टू 0.2 सो व्हाट इट बिकम्स, 14.2। आपके पास राइट चॉइस कौन सी होगी बच्चों, व्हाट विल बी द राइट चॉइस। ओके क्लियर, यस और नो? क्या किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पी की वैल्यू जो थी 3 आ रही थी, सेकंड क्वेश्चन में क्यू की वैल्यू 15 एंड थर्ड क्वेश्चन में आर की वैल्यू इज 14.2। एनी डाउट यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन 7 1/2, 9 1/4 एंड 12 1/8 व्हेन कन्वर्टेड टू डेसिमल्स। देखिए बच्चों दिस इज 7 1/2, 9 1/4 एंड प्लीज कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल्स। आता है ना बच्चों करना, प्लीज यस डू इट। हाँ
हाँ जी बच्चों, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेवन यस वन बाय टू, कौन एक्सप्लेन करेगा कैसे किया इसको? हु विल एक्सप्लेन इट? आ जाओ बच्चे, आ जाओ सेक्शन बी से प्लीज, लास्ट स्टूडेंट। हाँ जी आ जाइए बेटा। सर, फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट कर दिया बेटा। फिर देन 15/2 एंड वी हैव टू डिवाइड इट। डिवाइड व्हाट बाय विच नंबर? सर 15/2। वेरी गुड। व्हाट इट कम्स आउट टू बी? सर 7.5। 7.5। सब बच्चों को क्लियर है? यस। पार्ट कर लिया बेटा आपने? सर ओके बेटा, प्लीज डू इट। एनीवन Who has done the second part? Please finish, बच्चों, second part. हाँ जी, एनीवन कंप्लीटेड द सेकंड पार्ट? आ जाइए बेटा। हाँ जी बोलिए बेटा, आवाज नहीं आ रही बच्चे आपकी। नहीं बच्चे, सिक्स है। योर माइक इज नॉट वर्किंग मैम, प्लीज चेक इट। सो इट विल बिकम 1/4। इसको कन्वर्ट किया बेटा, सबसे पहले हमने बिकम्स 37/4। 37 को आपने डिवाइड कर दिया 4 से, सो इट कम्स आउट टू बी 9.25। राइट बच्चों, डू द थर्ड पार्ट। नहीं बेटा नहीं आ रही, अभी भी आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी मैम, आप आ रही है आई थिंक मैम, नाउ आई थिंक। नहीं बेटा नहीं, अभी भी नहीं आ रही है। स्पीक प्लीज स्पीक बेटा, आई है आवाज, क्लियर नहीं है लेकिन। एनीवन हु हैज कंप्लीटेड द थर्ड पार्ट? 12/1/8। आ जाओ बच्चे, आ जाओ। 12.125 कैसे किया बेटा आपने? हाँ जी, ये आ गया 97/8। Yes, then 97/8. ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा आपका थर्ड पार्ट। किस किस को नहीं समझ आया तो प्लीज आप एक्सप्लेन। अब आपने इसको डिवीजन करनी आती है ना? नहीं आया बेटा, कौन सा पार्ट नहीं आया? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला? देखिए बेटा कैसे करना है। यहाँ पे आपको 97/8 है, तो 97 को डिवाइड करना है 8 से। 8 वन जा 8,
वन लेफ्ट ओवर, सेवन को नीचे कैरी किया, ए टू जा, अभी आ गए यहाँ पे वन, तो वन 8 से लेसर है, तो विल डेसिमल एंड पुट जीरो, जीरो विल बी कैरिड नाउ। ये बेटा यहाँ तक, अब 8 के टेबल में कहाँ पे डिवीजन होगी? सो नाउ इट इज टू, अगेन टेक वन जीरो एंड कैरी इट डाउन, 8 टू जा 16, कितना बचा बच्चों? फोर, और ले ली 8 5 जा, हाँ बीस है और जी बच्चों, कोई डाउट अभी? एक्सक्यूज मी सर हाँ जी बेटा बोलिए, अब आवाज आ रही है आपकी। सर प्लीज रिपीट द प्ले एक्सपेंडेड फॉर्म ओके, एक्सपेंडेड फॉर्म, देखिए बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म में ये हमारा नंबर सिस्टम होता है, राइट? सबसे पहले यहाँ पे वन या यूनिट, फिर आता है 10, राइट? फिर 100, तो वन क्या होता है, वन 10 एंड दिस इज 100, राइट? अब जब हम रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं तो ये क्या होता है, 10 होता है ना, तो 10 का ये बन जाता है 10th, इज दिस क्लियर? एक्सक्यूज मी सर सर हाँ जी बेटा, ये जो आपने 10th लिखा है ये लेफ्ट राइट साइड को नहीं आएगा हाँ जी बच्चे, सर 10th जो आपने प्लेस वैल्यू लिखी है वो सर राइट साइड नहीं आएगी व्हेन वी से 1/10, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? व्हेन आई से 1/10, सर 1/10 तो कहां पे आएगा आप बताइए मेरे को। हाँ जी बेटा, राइट साइड राइट साइड पे क्यों आएगा? डिक्रीज किस तरफ हो रहे हैं, लेफ्ट साइड पे डिक्रीज होता है या राइट साइड पे डिक्रीज होता है? लेफ्ट डिक्रीज। अच्छा देखिए, जब हम नंबर लाइन बनाते हैं इंटीजर के केस में, ये 0 2, और यहाँ पे क्या आता है, तो इस तरफ डिक्रीज होता है ना लेफ्ट साइड पे बेटा, यस और राइट साइड पे इंक्रीज इंक्रीज होता है। तो सेम हियर बेटा, व्हेन यू से 10, 10 मीन्स 1 0 10 और टेंस हंड्रेड्स, ठीक है? व्हेन यू से 10, 1 पार्ट आउट ऑफ 10, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10th? 1 out of 10, यही होता है ना मतलब उसका। टेन रिप्रेजेंट, सपोज आई हैव 10 columns, राइट? लेट्स से दिस इज क्लियर। इफ आई शेड ओनली वन पार्ट, व्हाट इट बिकम्स 9/10 1 over, आप इसको क्या बोलोगे बच्चे? वन पार्ट आउट ऑफ 10, राइट? और 1/10 मीन्स यू विल से 1, राइट? यस और नो बच्चे, कोई यस डाउट बेटा? सर मुझे क्लियर नहीं है, आपको कुछ ना कुछ डाउट तो है, अब वो डाउट क्या है बताइए जरा। देखिए बेटा, जब हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं ना 0 मार्क्स से, सो इट इज डिक्रीजिंग, राइट की तरफ जा रहे हैं इट इज इंक्रीजिंग। सेम हियर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, व्हेन आई एम सेइंग 1 10, 10 इज 1 0 10, 1/10, व्हेन आई से 100, When I say 100, so that's mean पन 1 part out of 100. Is this clear? सर When I say 100,
So this means one part out of 100. So that is 1 by 100. Is it clear? Okay, sir. किसी को और कोई डाउट हो बच्चों प्लीज आस्क द क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन वी हैव डन। क्वेश्चन, ए मैन ट्रैवल 250 किलोमीटर बाय वेरियस मींस। टोटल उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है लेट्स से ए से बी तक 250 किलोमीटर, राइट? इज दिस क्लियर बच्चों? Now he traveled 225.3 किलोमीटर बाय बस। बच्चे उसने जो ट्रैवल किया यहां तक 225.3 किलोमीटर बाय ये बस वाला रास्ता। दिस इज क्लियर? 12.2 किलोमीटर बाय ऑटो रिक्शा एंड द रेस्ट ऑन द फुट। ये वाला पार्ट जो किया ऑटो पे किया जिसने, एंड दिस इज ऑन रिमेनिंग पार्ट। हाउ मच डिस्टेंस ही वॉक, कैसे करेंगे बच्चे? देखिए ये टोटल डिस्टेंस है 250, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस एंड दिस इज 12.2 किलोमीटर बाय 12.2 किलोमीटर बाय। तो बैलेंस कितना बचा? दैट्स वी हैव टू फाइंड आउट। So how we'll do it? We'll add these two. Distance traveled. Now total distance traveled kitna ho gaya bachcho? 250 kilometer. Right? Distance traveled by bus and auto kitna ho jayega bachcho? दोनों को ऐड कर दे। 237.5 ऐड करना आपको आता है सबको जी? यस। जब भी ऐड करना है बच्चे डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा। इज दिस क्लियर? सो 225.3 एंड 12.2 इनको जब आपने ऐड किया, हमेशा जब जब भी आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है मेक श्योर द डेसिमल इज बिलो द डेसिमल। सपोज कीजिए अगर हमारे पास, चलो मैं पहले इसको करते हैं फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सो दिस कम्स आउट टू बी 237.5 किलोमीटर। यस बच्चों? यस। नाउ व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑन फुट? टोटल में से ये वाला डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दें करके बताओ जरा कितना आ रहा है? 12.5, राइट? कितने बच्चों ने कर लिया 12.5? कितने बच्चों का हो गया बेटा? ओनली फ्यू, बाकी लोग जल्दी से कीजिए। देखिए टोटल डिस्टेंस जो था वो 250 था, अब आपको 250 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 237.5। अब ये देखिए बच्चों कैसे करते हैं, ध्यान से समझना बच्चे सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। एवरी वन लुक एट द बोर्ड, लीव योर पेन एंड नोटबुक साइड, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखिए बच्चे यहाँ पे तो डेसिमल है बट 250 में डेसिमल नहीं है, तो आप क्या करें? अब क्या किया जाए बच्चे? जब भी हम किसी नंबर डेसिमल के बाद जीरो लगाते हैं सो इट डज नॉट मेक इट्स वैल्यू। I am writing 4 or 4.0 or 4.00. All these are one and the same thing. Is this clear? Whenever you are putting 0 after the decimal, that does not make a difference. Suppose, और मेरे पास लिखा हुआ है 12.2 लिख रहा हूँ मैं बच्चे, 2.0 लिख रहा हूँ, 20 लिख रहा हूँ, yet 200 लिख रहा हूं, तो दैट इज वन एंड सेम थिंग। सो वेन एवर यू आर पुटिंग ए जीरो आफ्टर द डेसिमल इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। सो वी कैन राइट दिस एज, इज दिस क्लियर? यस और नो? नाउ जीरो इज स्मॉलर देन फाइव,
जीरो इज स्मॉलर देन फाइव। हाउ टू सब्ट्रैक्ट फाइव फ्रॉम जीरो, क्या करते हैं बच्चे हम, यहां से फाइव को कट किया फोर हो गया, यहाँ पे टेन बन गया, टेन को कट किया नाइन हो गया, और यहाँ पे दिस इज क्लियर, सबको समझ आया ये स्टेप? किस किस बच्चों को समझ नहीं आया प्लीज रेज योर हैंड, जिनको नहीं आया आई एम श्योर देयर मस्ट बी फ्यू स्टूडेंट जिनको नहीं क्लियर हुआ होगा। दिस इज अ बिट डिफिकल्ट स्टेप, ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पे जीरो था, जीरो को आप कॉमन वन कैरी नहीं कर सकते जीरो से, तो प्रायर टू दैट देर वॉज फोर फाइव, तो फाइव से हमने क्या किया कि वन कैरी किया, तो वन सब्ट्रैक्ट किया फोर बचा यहाँ पे, तो यू कैरी वन टू द जीरो दैट बिकम टेन, टेन को एक सब्ट्रैक्ट किया नाइन, एंड वी हैव टेकन वन कॉमन हियर, वन कैरी टू द जीरो। तो अब जब 10 में से 5 सबट्रैक्ट किया कितना आया बच्चों, 5। फाइव नाउ दिस इज 9, नाउ 9 में से 7, 4 टू में से 3, 5 वन में से 2, व्हाट जीरो इज योर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द फुट इज 12.5 किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फुट इज 11.5 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, किसी स्टूडेंट को कोई चीज नहीं क्लियर हुई प्लीज आस्क द क्वेश्चन, एनीथिंग नॉट क्लियर बच्चों, आई थिंक सबको क्लियर है, नोट कर लो बेटा जिन्होंने नहीं किया। हो गया सबका नोट, कोई बच्चा बचा है नोट करने के लिए प्लीज रेज योर हैंड, कोई नहीं बचा सबने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, असर्शन रीजन क्वेश्चन, असर्शन 12.35 इज ए डेसिमल नंबर, इज इट ट्रू, इज ए डेसिमल नंबर, यस बेटा डेसिमल नंबर, रीजन ए नंबर दैट कंसिस्ट ऑफ होल एंड ए फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर, इज इज ट्रू और नॉट, यस क्यों, क्योंकि देखिए बेटा वी कैन राइट दिस एज, वी कैन राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म लाइक दिस, यस और नो, इसको आगे भी हम एक्सपैंड कर सकते हैं ठीक है, बट वी आर डूइंग दिस मच नाउ, दिस कैन बी रिटर्न एज, वी कैन राइट दिस एज, डेसिमल से कन्वर्ट करना आता है बेटा फ्रैक्शन में, यू पीपल नो हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, किस किस बच्चे को नहीं आता है बेटा, किस किस को आता है, अच्छा चलो रेज करो हैंड, हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, सेक्शन बी में किसी को नहीं आता डेसिमल इनटू फ्रैक्शन बेटा, बड़ी सिंपल चीज होती है, देखो जरा सपोज मेरे पास यहाँ पे 0.9 है, इसको मुझे डेसिमल में से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, रिमूव इट्स जीरो डेसिमल, और इसको कितने 10 से डिवाइड करो, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है बेटा, डेसिमल वन डिजिट, सो डिवाइड करना है किससे, वन वन के आगे नंबर ऑफ जीरोज लगा दी, तो वन डेसिमल प्लेस था तो यू पुट 10, हेयर वी हैव टू डेसिमल प्लेसेस, वन के बाद कितनी जीरोस, टू जीरोस, राइट यस और नो, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, दिस इज अ होल एंड दिस इज अ पार्ट, फ्रैक्शनल यस आपको क्या गिवन है रीजन में, एक डेसिमल नंबर इज ए नंबर दैट कंसिस्ट ऑफ होल एंड ए फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर, इज दिस क्लियर, सो क्या है इसका रीजन भी ट्रू है, तो आंसर विल बी इज ट्रू क्वेश्चन एंड
एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ए ये रहे बच्चों सर यस क्वेश्चन सेशन 65,023 अपॉन 1,000 इज अ डेसिमल फ्रैक्शन इज दिस ट्रू और नॉट दैट ट्रू 65,023 अपॉन 1,000 इज अ डेसिमल फ्रैक्शन सर यस यस हाउ बिकॉज वी कैन आल्सो राइट देयर आर थ्री जीरोस थ्री पॉइंट्स के बाद डेसिमल लगा दिया सो दिस बिकम्स 5.023 फ्रैक्शनल नंबर विद डिनोमिनेटर्स 10, 100, 1,000 एटसेट्रा आर रेफर टू एज डेसिमल फ्रैक्शन इज दिस करेक्ट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट यहाँ पे 1,000 था ना यहाँ पे 9/10 तो दिस इज अ डेसिमल नंबर डेसिमल फ्रैक्शन यस और नो सो आंसर विल बी ए चॉइस हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चों इन द डेसिमल नंबर 2571.939 इज अच्छा 93 है 2571.91.93 9 is at 10th place means we have to find the place value of 9 don't talk beta section a second bench girl student please stop talking and exchanging bache we have to find the place value of 9 how to find the place value of this 9 this is at which place bacho 10 place so this statement is true or not dekhi beta agar hum isko expanded form mein likhenge so what it becomes this 2 will be at 1000th place 5 will be at 100 7 will be at 1 will be at and 9 will be at so what will be the place value of 9 is this clear yes is a true statement assertion is true reason place value of the place immediately after the decimal point is 1/100 is this correct or not no why because this time immediately after the decimal and its place value is 1/10 1/100 so therefore assertion is true but reason is false choice will be सी चॉइस सी होता है ना बेटा यस हाँ जी बच्चों दिस इज क्लियर यस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा फोर्थ क्वेश्चन असर्शन 1/2 व्हेन कन्वर्टेड इनटू डेसिमल नंबर विल रिजल्ट इन 0.5 इज इट ट्रू यस 1/2 यस करोगे तो कितना आता है सर 0.5 आता है ना बेटा 1 को डिवाइड करना है 2 से 0 सा 0 1 आ गया तो ये कितना आएगा बेटा 0.5 सभी बच्चों को समझ आया ये सर यस 1/2 व्हेन कन्वर्टेड इनटू डेसिमल नंबर विल रिजल्ट इन 0.5 राइट रीजन क्या है इसका बेटा इंप्रॉपर फ्रैक्शंस When converted into decimal fraction, have a whole number to the left and a fractional part to the right of the decimal. See what he is saying? When you convert it into this,
दिस इज द, ये डेसिमल पार्ट है बेटा, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल, राइट, एंड दिस इज, व्हाट इज देयर ऑन द लेफ्ट साइड, रोल नंबर, नंबर, एंड हियर इज फ्रैक्शनल पार्ट, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट. यस. Now tell me your reason is true or false. Why? Why? बेटा reason true है ना? If partial fraction when converted into decimal fraction have a whole number to the left and a fractional part to the right of the decimal. True है ना? Yes or no? Sir, yes. It is not the correct explanation because 1 by 2 is a proper fraction. Right? Sir, yes. अच्छे देखिए assertion में हम बात कर रहे हैं proper fraction की और reason में हम बात कर रहे हैं improper. Can it be the correct explanation? Sir, no. No, no, because both are different. Sir, yes. Sir, yes. कोई डाउट बेटा जो आज हमने किए क्वेश्चंस? एनीथिंग नॉट क्लियर बच्चों? सर नो. नो? सर नो. चलिए बच्चे आज हम यहीं पे फिनिश करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे ये स्टडी एंड रिमेनिंग क्वेश्चन, राइट? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स अ लॉट टीचर्स. Thank you, sir.